चलिए अब समझिए डॉट कॉम के तहत कुछ बातचीत कर लेते हैं। देश में चुनावी सरगर्मी के साथ मौसम का पारा चढ़ा हुआ है। तपती धूप में इन दिनों सभी राजनीतिक पार्टियां डोर टू डोर प्रचार करने में जुटी हुई हैं, लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि अप्रैल से लेकर जून के बीच भीषण गर्मी पड़ेगी और ये वो वक्त है जब आम चुनाव होने वाले हैं। गर्मी से मतदान पर असर ना हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कई निर्देश भी जारी किए हैं। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मतदाता सुरक्षित रहते हुए वोट दे सकें। वोटरों को गर्मी से बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन इंतजाम भी कर रहा है। उसने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के लिए एडवाइजरी निकाली है जिसमें कई निर्देश हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने गर्मियों को लेकर क्या तैयारियां की हैं। हर केंद्र पर मतदाताओं को मिलेगा पानी और ORS। गर्मी को लेकर चुनाव आयोग की ओर से क्या तैयारियां की गई है, पानी पिलाने के लिए छायादार जगह के साथ मेडिकल किट भी होगी। पैरामेडिकल स्टाफ भी लगातार भ्रमण करता रहेगा, तो सुरक्षित रहते हुए मतदाता वोट डाले इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर पोलिंग बूथ होगा और आपको बता दें जल्द काम निपटाने के लिए बढ़ाई जाएगी बूथों की संख्या। तो गर्मी को लेकर चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। महिला बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता मिलेगी, तो हर केंद्र पर मतदाताओं को पानी और ORS दिया जाएगा, खासा ख्याल रखा जाएगा। पानी पिलाने के लिए यहां प्राथमिकता। अब GFX के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि गर्मी का 2019 के लोकसभा चुनावों पर कितना असर पड़ा था। तो गर्मी का 2019 के चुनावों में कितना असर पड़ा था वो ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। हीट वेव से जूझ रहे राज्यों में 70% से ज्यादा और बिहार में 57% मतदान हुआ था। उत्तर प्रदेश में 59% लोगों ने वोट डाला था। दिल्ली में 60% लोगों ने मतदान किया था। महाराष्ट्र में 61% मतदान हुआ था। 2019 में चुनावों में गर्मी की वजह से कितना असर पड़ा था वो आपको बता रहे हैं। राजस्थान में 66% लोगों ने ही वोट दिया था, क्योंकि गर्मी का समय ऐसा होता है लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और झारखंड में 67% लोगों ने वोट दिया था। इसी के चलते जो मतदान प्रतिशत है वो भी कम हुआ। हीट वेव से जूझ रहे राज्यों में 70% से कम मतदान हुआ। बिहार की अगर बात की जाए 57% मतदान बिहार में हुआ। उसके बाद अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो यहाँ केवल 59% लोगों ने ही वोट डाला। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं। प्रदेश की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।